क्या है हट रे मेरी रक्षा कर ले राम 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 अल्लाह कसम खुदा की कसम ये इसको पहुंचा लेगा अरे ये तो हीरो लग रहा है भाई देखो जो राइट साइड में आपको बिल्डिंग दिख रही है ये बिल्डिंग उनके बाजू में दिखती है बहुत ढूंढने के बाद में दोस्तों बिल्डिंग मिल चुकी है। ये जो आप मेरे सामने बिल्डिंग देख रहे हो ये वही बिल्डिंग है जो इस फिल्म में दिखाई गई है जहां पर वो पाइप पर चलते हैं आमिर खान और अजय देवगन को बचाने जाते हैं आमिर खान और बैकग्राउंड में सफ़ेद वाली बिल्डिंग दिखती है। आप बिल्डिंग को स्क्रीनशॉट से मैच कर सकते हो लेकिन मैं वो करेक्ट लोकेशन ढूंढ के आपको बताऊंगा जहां पर वो पाइप डाला गया था। आइए इस गली के अंदर चलते हैं जहां पर ये कबाड़ वाले भाई जा रहे हैं और वो पाइप इसी जगह डाला गया होगा। ये देखिए हम थोड़ा अंदर आ गए हैं इस लेन के अंदर जहां पर हमको उम्मीद है कि वो पाइप डाला गया था। अगर ये भी वो नहीं ये इतना बड़ा पाइप तो नहीं था वो लेकिन आप बिल्डिंग देख सकते हो। हाँ इतनी इस जगह पे नहीं वो जो हम जहाँ से आए हैं उधर डाला गया होगा। बिल्डिंग देख लो दोस्तों इसी बिल्डिंग पर थी। हाँ इन्हीं पे हम पूरी लोकेशन को अच्छे से मैच कर लेते हैं। आप गेट दिखा दो ये बिल्डिंग का गेट जहाँ पर फिल्म के सीन रिकॉर्ड किए गए थे। ये बिल्डिंग को चारों तरफ से अभी मैं चारों तरफ से इसका व्यू दिखाने के लिए जाता हूँ और लेफ्ट साइड मार के व्यू दिखाऊँगा। हाँ इसी बिल्डिंगों में डाला था लेकिन हम ढूंढने की जो कोशिश कर रहे हैं वो मुझे समझ में आ गया। अभी अपने को किधर से दिखाना पड़ेगा। जहाँ पर इस फिल्म की शूटिंग हुई थी आदिल भाई अपनी निशानी का चश्मा छोड़ के जा रहे इधर दिखाओ आदिल भाई उठा के एक बार दिखा दो फिर भी पब्लिक को दिखा दो। ये देखिए भाई यहाँ पर ये चश्मा रख के जा रहे हैं छोड़ के जा रहे हैं अपनी निशानी यहाँ पर और ये वो एरिया है जहाँ पर इस फिल्म का वो सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे। क्यों आदिल भाई हम सही लोकेशन पे पहुंच गए हैं परफेक्ट जगह बस अब एक एक एंगल अच्छे से अब जा हमको भाई बस एंगल कॉर्नर वो पॉइंट आपको ढूंढ के दिखाना है। लोकेशन तो हमने ढूंढ लिया है। हाय फ्रेंड्स मैं हूं फहीम और आज मैं आपको लेके आया हुआ हूं दोस्तों 25 साल पहले बनी हुई फिल्म इश्क फिल्म। दोस्तों इश्क फिल्म में जूही चावला हैं काजोल जी हैं अजय देवगन हैं आमिर खान हैं और एक कॉमेडी सीरियस लव स्टोरी सारी ही कॉम्बिनेशन की फ़िल्म है वो दोस्तों। और उस फिल्म का एक फेमस सीन जब अजय देवगन काजोल जी को देख के पाइप पर चलने लगते हैं और जब नीचे देखते हैं तो उनकी हालत टाइट हो जाती है क्योंकि वो बिल्डिंग की टेरिस पर चल रहे होते हैं दोस्तों। पाइप डले हुए होते हैं एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर। तो आज जहां पर जिस बिल्डिंग पर वो 25 साल पहले चल रहे थे आज हम आपको वो जगह दिखाने आए हैं दोस्तों। ये जगह मुंबई के लोखंडवाला में है। आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हो दोस्तों ये वाली बिल्डिंग हम आपको एक एक एंगल मैच करा के दिखाएंगे बैकग्राउंड के साथ सारी जगह क्योंकि हम किसी भी बिल्डिंग पर तो यकीन कर नहीं सकते कि ये वही बिल्डिंग है। तो दोस्तों अभी मैं बता रहा हूँ तो मेरी बात सुन के आप यकीन कर लो कि जो बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर 25 साल पहले इस फिल्म के सीन रिकॉर्ड किए गए थे। क्यों आदिल भाई मैं सही बोल रहा हूँ? आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। देखिए कहाँ से कहाँ पाइप डाला गया था। हम एक एक अभी करीब सच बताऊँ ना दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन देखने के बाद भी करीब एक घंटा लग गया है वो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बताने के लिए। मतलब बिल्डिंग मिलके भी एक घंटा हो चुका है या उससे थोड़ा सा कम लेकिन परफेक्ट नहीं हो पा रहा था कि मुझे क्या बताना चाहिए क्या नहीं क्योंकि लोकेशन परफेक्ट नहीं थी। लेकिन अभी हमने देखा है तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये वाली बिल्डिंग और ये वाली बिल्डिंग इसी बिल्डिंग को दिखाया गया था इश्क फिल्म के अंदर अब से 25 साल पहले। ये वही बिल्डिंग है जहाँ से यहाँ से यहाँ पाइप डाला गया था जहाँ पर अजय देवगन चलते हैं इसी बिल्डिंग से दोनों पाइप कनेक्ट थे। और इसी फिल्म में जब
टेरिस दिखाई गई है जहाँ पर काजोल जी रहती हैं, खड़ी रहती हैं और अजय देवगन उनको देखते हैं, तो वो शायद ये बिल्डिंग की टेरिस थी जहाँ पर वो सारे सीन रिकॉर्ड किए गए थे। आइए अब मैं आपको एक एक एंगल के साथ इस जगह को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहले तो हम यहीं पर खड़े होके इस बिल्डिंग की विंडो देखेंगे। अगर हम विंडो का डिज़ाइन को जूम करेंगे तो ये विंडो का डिज़ाइन वैसा ही दिख रहा है जहाँ पर वो बोलते हैं पाइप काटने के लिए, और जब वो पाइप काटने जाते हैं तो स्क्रीन शॉट अगर आप देखेंगे तो ये बिल्डिंग का जो विंडो का डिज़ाइन है ये आज भी वैसा ही है जैसे 25 साल पहले फिल्म के अंदर दिखाया गया था। हाँ दोस्तों, इतना ज़रूर है कि कलर चेंज हो चुका है बिल्डिंग का और भी थोड़ा बहुत बदलाव दिख रहा है, जैसे कि और भी नई भी बिल्डिंग बन चुकी है बीच बीच में, और कैमरा अलग अलग एंगल से घुमाया गया था, अलग अलग यू नो जगह दिखाई गई थी। आदिल भाई आप यहाँ से जूम करके ये वाली विंडो को दिखाओ, ये विंडो को स्क्रीन शॉट से अगर मैच करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हाँ ये वही जगह है। ऊपर टेरिस भी दिखा दो आप, टेरिस से भी मालूम पड़ेगा हाँ ये वही जगह है। आइए अब मैं बाइक के पास जाता हूँ और बाइक के पास जाने के बाद आपको कुछ लोकेशन और दिखाता हूँ। आइए पहले हम ना ये साइड आएंगे, ये साइड, यहाँ से जब यहाँ पर वो पाइप डाला गया था ना तो बैकग्राउंड में ये चार बिल्डिंग भी दिखती हैं। अब ये बिल्डिंग दिखाओ और बिल्डिंग का डिज़ाइन दिखाओ। 25 साल पहले जब इस फिल्म के सीन रिकॉर्ड हुए थे तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड होता था और ये टेरिस दिखाई गई थी फिल्म के अंदर। दोस्तों ये मुंबई का इतना बढ़िया एरिया है, इतने एक्सपेंसिव एरिया है, पूरा बॉलीवुड यहाँ पर बसा हुआ है, ये जो जगह आप देख रहे हो। और दोस्तों एक चीज़ आप और देख सकते हो, ये बिल्डिंग के ऊपर का जो टॉप है ना उस पर ये डिज़ाइन है, और आप देखोगे जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो उसमें भी टॉप पर यही डिज़ाइन है। तो ये बिल्डिंग जो थी दोस्तों ये उनके बैकग्राउंड में दिखाई जाती है, स्क्रीनशॉट से मैच कर लेना। बिल्डिंग बैकग्राउंड ये था और बिल्डिंग ये वाली थी जहाँ पर ये बिल्डिंग दिख रही है। अभी कैमरा एंगल अलग अलग जगह से लिया जाता है जिस वजह से यू नो थोड़ा हमको दिखाने में दिक्कत होती है, बिकॉज ये अंदर प्राइवेट एरिया है, अंदर जाना अलाउड नहीं है। मेरा मोबाइल तो चला जाएगा, ये देखिए, नहीं मैं डालूँगा नहीं, ये अंदर का एरिया है। और ये है एरिया, कुछ सीन में ना ये बिल्डिंग भी आपको देखने के लिए मिलती है, अगर आप देखेंगे ना डिज़ाइन को तो ये बिल्डिंग भी आपको देखने के लिए मिलती है। और ये जो बड़ी वाली बिल्डिंग है ये भी बैकग्राउंड में होती है उनके। ये हमारी यहाँ पर बाइक आराम कर रही है जितनी देर हम वीडियो बना रहे हैं। वैसे शाम हो चुकी है और ये वीडियो आज हमारी लास्ट वीडियो थी आज की वीडियो, जहाँ पर हमने आपको इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाई है। हमें उम्मीद है दोस्तों ये शूटिंग लोकेशन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों आप लोग जो कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, और जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, जो जो मूवी का नाम बता रहे हैं, धीरे धीरे करके सब लोकेशन में आपको दिखाने का पूरा कोशिश और वो भी बहुत जल्दी करने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप में से कोई बंदा कुछ पूछना चाहता है, कमेंट करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है दोस्तों, तो वो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यार नंबर मांगते हैं, नंबर कैसे मैं YouTube की कमेंट में डाल सकता हूँ? अगर किसी को बात करनी है तो Instagram पर मुझे मैसेज करें, वहाँ पर मैं आपका रिप्लाई करूँगा। चलिए दोस्तों अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे आपको किसी और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ गाइज। लव यू ऑल गाइज, खुदा हाफिज़ गाइज, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, बाय बाय।